You, हम अपना एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट वन शुरू करेंगे इसमें हम क्वेश्चन नंबर वन कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर टू देखिए फॉर ईच गिवन सॉलिड आइडेंटिफाई द फ्रंट व्यू साइड व्यू एंड टॉप व्यू ये आपको सॉलिड दिखा रखा है इसमें आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू और साइड व्यू पहचानना है तो देखिए इस तरीके की जो शेप है वो कैसी है देखिए ऐसी शेप टॉप में आ रही है तो टॉप व्यू फिर देखिए ये दो साइड में दिख रहे हैं तो साइड व्यू ओके और ये क्या है देखिए वन टू तीन दिख रहे हैं इसमें है ना वन टू थ्री सॉरी ये साइड व्यू है और ये आपका फ्रंट व्यू है ओके फ्रंट व्यू में दो दिखेंगे ना ये फ्रंट व्यू ये टॉप व्यू और इधर साइड व्यू ठीक है सेकेंड में देखिए ये आपका टॉप है जिसमें वन टू थ्री फोर है तो देखिए फोर बना हुआ होगा ये रहा टॉप व्यू फ्रंट में वन टू थ्री है थ्री है साइड में देखिए एक और एक उधर वाला दिखेगा तो दो ये साइड व्यू हो गया ठीक है ठीके? ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सी और डी पार्ट भी करना है फिर क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए द फ्रंट व्यू साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू और साइड व्यू दिया गया है एक ऑब्जेक्ट का ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको इसका रफ ऑब्जेक्ट बनाना है तो देखिए टॉप व्यू है ये फ्रंट व्यू और साइड व्यू है तो आपको इसका रफ स्केच बनाना है वो रफ स्केच कुछ इस तरीके का बनेगा मतलब इस तरीके के सॉलिड्स बनेंगे ओके okay? ऐसी शेप्स में आपको बनाना है तो इसका टॉप व्यू फ्रंट व्यू और साइड व्यू मिला के आपको ऐसी तरी, इस तरीके की शेप बनानी है ओके और इसी का बी पार्ट भी ऐसे ही है कुछ इसमें टॉप फ्रंट और साइड व्यू मिलाकर कुछ इस तरीके का सॉलिड टाइप में शेप बनेगा ठीक है आपको ये क्वेश्चन भी एज इट इज कॉपी में करना है जैसा आपको बताया गया है फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर ड्रॉ रफ स्केचिज ऑफ द फ्रंट व्यू साइड व्यू एंड टॉप व्यू फॉर द फॉलोइंग फिगर्स इसमें आपको टॉप व्यू फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाना है तो देखिए ये टॉप व्यू है जिसमें वन टू थ्री फोर फोर है तो इसमें चार बन जाएंगे इस तरीके से नेक्स्ट आपका फ्रंट व्यू में वन टू थ्री तीन क्यूब्स बन जाएंगे और साइड में सिर्फ एक बनेगा ओके तो ऐसे आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है इसमें भी देखिए टॉप में कितने बनेंगे वन टू थ्री तीन स्क्वायर्स बनेंगे साइड में वन टू और फ्रंट में वन टू थ्री फोर ठीक है ऐसे ही आपको सी पार्ट भी करना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव इसमें आपको ओन स्कूल का सिंबल्स वगैरह यूज़ करके मैप बनाना है तो ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे ओके क्वेश्चन नंबर फोर्थ तक करेंगे आगे हम अगली क्लास में करेंगे थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लेसिंग मी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें आइकन ज़रूर हिट करें